नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीप सी ब्रेकिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजकुमार राव की फिल्म हिट द फर्स्ट केस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और वहीं दोस्तों बात करेंगे दूसरी वेब सीरीज यानी कि आश्रम सीजन 3 के, जो कि ओटीटी व्यू के बारे में, और वहीं दोस्तों आप लोग बताएंगे कि आज के दिन आश्रम सीजन 3 जो कि ओटीटी पर कितने व्यू हासिल कर रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं, और वहीं दोस्तों राजकुमार राव और वहीं दोस्तों बॉबी देओल के डाई हार्ट फैन है, तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी इसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजकुमार राव की फिल्म हिट के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही चले कि राजकुमार राव की छोटी बजट वाली फिल्म रहती है, लेकिन उन फिल्मों में जोरदार तरीके से दम रहता है, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी और बहुत ही जोरदार रहती है। राजकुमार राव कम बजट के फिल्में ही मिलती है इनको, लेकिन इन फिल्मों में जोरदार तरीके से स्टोरी रहती है और जोरदार तरीके से उनकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इसी कारण राजकुमार राव की हर एक फिल्म जो कि हिट साबित होती है, और वहीं राजकुमार राव को ऑडियंस पसंद भी करती है, और राजकुमार राव की फैन फॉलोइंग बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार है। इसी कारण इनकी मूवियां बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर जाती हैं। दोस्तों, आप लोगों को बताइए चले कि राजकुमार राव की फिल्म हिट मूवी को बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और साथ ही साथ राजकुमार राव की फिल्म हिट मूवी को पब्लिक भी पसंद कर रही है, और क्रिटिक्स ने भी बहुत ही अच्छे खासे रिव्यू दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताइए चले कि राजकुमार राव के साथ आप लोगों को नजर आई है सानिया मल्होत्रा। दोस्तों, इसमें आप लोगों को सानिया मल्होत्रा का भी बहुत ही जोरदार तरीके से जो कि एक्टिंग दिखाई गई है। अब बात कर लेते हैं राजकुमार राव की फिल्म हिट मूवी के जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को पता चले कि राजकुमार राव की फिल्म हिट मूवी ने अपने पहले ही दिन जोरदार और धमाकेदार तरीके से कमाई करी, और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 1,40,00,000 का कारोबार किया। दोस्तों, आज की बात करें तो आज के दिन भी यह फिल्म जोरदार और धमाकेदार तरीके से जो कि बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है। अपने आज के दिन कम से कम यह फिल्म 4 से 5 करोड़ रुपए कारोबार कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। अगर आप लोगों ने राजकुमार राव की फिल्म हिट मूवी देखी है, तो आप लोगों को हिट मूवी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और वहीं दोस्तों, दूसरी वेब सीरीज की बात करें तो दोस्तों दूसरी वेब सीरीज है जो कि आप लोग बताते चले कि बॉबी देओल की आश्रम सीजन 3। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें कि आश्रम सीजन 3 को बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला पब्लिक की तरफ से, और वहीं दोस्तों आश्रम सीजन 3 अपने आज के दिन भी अच्छे खासे व्यू हासिल कर रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों को बताइए चले कि बॉबी देओल जो कि आजकल ओटीटी पर बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार वेब सीरीज दे रहे हैं, और ओटीटी पर ये बहुत ही जोरदार तरीके से चल भी रहे हैं। आप लोगों को पता चले कि आश्रम सीजन 3 का जो कि ये चैप्टर 3 था, और इसमें बहुत ही जोरदार तरीके से बॉबी देओल की केमिस्ट्री दिखाई गई, यानी कि बॉबी देओल जो बाबा निराला का किरदार निभा रहे हैं, और उसमें दोस्तों आप लोगों को पता चले कि गजब गजब के कैरेक्टर भी डाले गए थे। पम्मी पहलवान, भोपा स्वामी और उजागर सिंह जैसे कैरेक्टर डाले गए थे। और वहीं दोस्तों आश्रम सीजन 3 में बॉबी देओल ने जोरदार और धमाकेदार तरीके से एक्टिंग भी करी है। आप लोगों को पता चले कि यह सीजन जो कि आप लोगों को एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएगा। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि आश्रम सीजन 3 में जो कि अच्छे खासे सस्पेंस भी रखे गए हैं, ताकि इसके जो कि चौथे जो कि सीजन में बहुत ही जोरदार तरीके से जो कि उन सस्पेंसों को खोला जाएगा। आप लोगों को बताइए चले कि सस्पेंस इतने तगड़े रखे गए हैं कि ऑडियंस जो कि चौथे सीजन के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हो गई है, और उसको देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। आप लोगों को बताइए चले कि चौथा सीजन जो कि आप लोगों को 2023 में देखने को मिलेगा एमएक्स प्लेयर पर। दोस्तों, आश्रम सीजन 3 जो कि बहुत ही जोरदार तरीके से आज के दिन भी व्यू हासिल कर रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और यह जो कि बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से अपने आज के दिन कम से कम 5 मिलियन व्यू हासिल कर रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हिट मूवी और वहीं दोस्तों आश्रम सीजन 3 देखी है, तो आप लोगों को आश्रम सीजन 3 वेब सीरीज कैसी लगी, और वहीं दोस्तों हिट मूवी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी इसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।